सर्द पहाड़ी गांव की एक बेहद ठंडी सुबह, उस पर झील का किनारा। सुबह के 8 बजे हैं। आज इस रास्ते पर बहुत गहरी धुंध थी। मैं सरपट कॉलेज के लिए जा रहा था, तभी अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। देखते ही देखते बारिश आने लगी। मरता क्या ना करता, एक किनारे पर पीपल के एक पेड़ के नीचे रुकना ही पड़ा। बारिश तेज हो रही थी और पूरी तरह कपड़ों से लदे होने के बावजूद अब मैं ठंड से ठिठुर रहा था। तभी मैं चौंक गया। ऐसा लगा जैसे पीपल के पेड़ से एक सरगोशी सी हुई। तुम आ गए दीवान, मेरे ठंड से कांपते हवासों को झटका लगा। ये क्या हुआ? मैंने उस बारिश में भी घूम घूम कर पूरा पीपल का पेड़ देख लिया, पर कुछ नहीं दिखा। मैंने चाहा कि मैं इससे पूछूं कि तुम कौन हो, पर लाख कोशिशों के बाद भी मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। ऐसा लगा कि वो सर्द आवाज मेरे दिलो दिमाग में जैसे बैठ गई थी। उफ, मैं अपने आप को बड़ा 30 मार खां समझता था, लेकिन डर और रोमांच की अनुभूति से इस जबरदस्त ठंड में भी मैं पसीना पसीना हो गया। अचानक मेरे सर के ऊपर सरसराहट सी हुई। उफ, ये क्या? वहां एक बड़ा सा काला कौवा मेरी ओर बहुत घूर कर देख रहा था, कुछ इस तरह की अभी हमला कर देगा। ओह, अरे अरे, ये क्या कर रहा है? उसने मेरी ओर पीठ की और जोर से चीख मारी। ऐसा लगा जैसे कोई औरत बहुत तेजी से किसी से छूटने को छटपटाई हो, और उस कौवा या मादा कौवा ने एक बड़ा अंडा सीधे मेरे सर पर गिराया। मैंने पीछे हटकर उससे खुद को बचाया। हे भगवान, अगर मैं उसकी ओर नहीं देख रहा होता तो उस अंडे ने मुझे पूरा खराब कर देना था। पेड़ के नीचे गिरकर वो अंडा फूट गया था और उसके अंदर से एकदम काला सा द्रव्य निकलकर वहां एकत्र पानी के साथ मिलने लगा था, और वातावरण में बड़ी असहया सी गंध बल्कि बदबू फैल गई। मैं बहुत ज्यादा डर गया और मन ही मन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसती हूँ लोक उजागर का जाप करने लगा। मेरे लिए अब वहां रुकना जैसे असंभव सा हो गया। मुझे वहां से चल देने में ही अपनी भलाई महसूस हो रही थी, लेकिन कदम जैसे पत्थर हो गए, जमीन में जड़ हो गए। एक एक कदम आगे बढ़ाने में बड़ी ताकत लग रही थी।